नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराई महिला सरपंच, लोकायुक्त की टीम ने की कार्यवाही। मंडला जिले की नैनपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हीरापुर की सरपंच के खिलाफ श्रीमती सरस्वती दुबे पति नरेंद्र दुबे जी की रुक्मणी महिला स्व सहायता समूह की सचिव है। इन्होंने लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की थी कि नल जल योजना उप समिति हीरापुर में किए गए कार्य के 5 लाख रुपए के भुगतान के एवज में हीरापुर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती ममता पंद्रो पति कंचन पंद्रो के द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम द्वारा सरपंच को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और सरपंच ममता पंद्रो जनपद पंचायत नैनपुर कार्यालय परिसर में रिश्वत की रकम 20,000 रुपए के साथ पकड़ी गई, जिस पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। एक शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत हीरापुर की सरपंच ममता पंद्रो नल जल योजना समिति में किए गए कार्यों के 5 लाख के लगभग बिल निकालने के लिए 25,000 रुपए की मांग कर रही है। इस सूचना की तस्दीक की गई और आज प्रथम किस्त के रूप में जनपद पंचायत नैनपुर के परिसर में श्रीमती ममता पंद्रो सरपंच ग्राम पंचायत हीरापुर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।